हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट। फ्रेंड्स, आज हम आए यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद जिले में है। तो यहाँ बहुत ही सुरम्य सुंदर दृश्य है। ये जो दुर्ग हैं बहुत ही ऐतिहासिक दुर्ग हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जो हम ऊपरी जो टॉप है कुंभलगढ़ दुर्ग का, कटारगढ़ बादल महल, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो यहाँ हम आज आए हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में हैं जगदीश जी, लक्ष्मण जी। तो हम आज साथ में, आज संडे का दिन था तो हम यहाँ आज अच्छे से घूमने आए। तो इस ऐतिहासिक दुर्ग को देखने का हमारे को आज अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं जगदीश जी से कि इनका अनुभव कैसा रहा आज जो इन्होंने दुर्ग में भ्रमण किया, दुर्ग में घूमे फिरे। तो यहाँ ऐतिहासिक किताबों में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद में आज यहाँ प्रत्यक्ष घूमने का जब मौका मिला तो इनको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है, यहाँ का कैसा इनको महसूस हो रहा है, तो इनसे बात करते हैं। जगदीश जी, आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग का सैर करने आए हैं, और ये दुर्ग बड़ी ही विकट जगह पर है जहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और यहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्गम रास्ता है। पहुँचने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी ऊँचाई पर हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं ये है बादल महल, इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। यहाँ से चारों ओर बादल के नज़ारे दिखाई देते हैं, और यहाँ से मानसून को भी देखा जाता है किधर से बादल आ रहे हैं। और यहाँ बादल ठहरते हैं, यहाँ अपने पास होकर भी निकलते हैं बादल, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। नीचे देखिए दुर्ग है जिनमें ये बादल महल हैं, इसके अंदर महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, और बहुत ही प्राचीन दुर्ग और बहुत ही अच्छी कलाकृति। इस कलाकृति को काफ़ी सालों से सजोए रखा है, भारतीय संस्कृति की पहचान। धन्यवाद। तो थैंक यू जगदीश जी, आपने यहाँ का अच्छा खासा अनुभव बताया। किताबों पढ़ना और यहाँ प्रत्यक्ष घूमना ये काफ़ी आनंददायी रहता है, और प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं इन विजिटर्स जो भाई साहब यहाँ पे आज जो घूमने आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कैसा इनको भी महसूस हो रहा है। तो भैया, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं प्रॉपर अपने भीम से हूँ, राजसमंद भीम इसी अपने, और यहाँ पे जो ये घूमने का भी है, अभी मोदी जी ने भी पंद्रह दिन के लिए फ्री कर रखा है 15 अगस्त तक के लिए। तो जितने भी अपने इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आए यहाँ, और अपने पुरातत्व विभाग के जो कुंभलगढ़ का किला है और दीवार है, 36 किलोमीटर की जो दीवार है, चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार है यहाँ पे, तो प्लीज़ आए और अपना यहाँ विजिट करके जाएं एक बार, और एक बार देख के जाएं कुंभलगढ़ का किला, परशुनाथ जी महादेव का मंदिर यहाँ पे जस्ट पास में ही है। तो प्लीज़ जब भी जो भी टाइम मिले प्लीज़ आए एक बार विजिट करें। थैंक यू भैया, आप यहाँ नज़दीक ही हैं तो आपको यहाँ का अच्छा अनुभव रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 मिनट वीडियो में आपने बताया, दर्शकों को बताया, तो बहुत सारे घूमने भी आएंगे, और अच्छी योजना है, अच्छा ऐतिहासिक दुर्ग है। तो यहाँ जब भी जिसको भी टाइम मिले वैसे उस समय निकाल करके यहाँ ज़रूर आए। तो यहाँ पास में ही बहुत ही सुरम्य दृश्य हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।
कैसा लगा तुमको फोटो? फ्रेंड्स देखो पहाड़ नीचे है, कितने बड़े बड़े हैं।